हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की एडिटिंग करने वाले हैं जिसे हम सब वेक्टर आर्ट कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि वेक्टर आर्ट कितना मुश्किल बनाना है, और यहाँ पर अगर कोई भी यूट्यूबर आपको बताता है तो आपको यहाँ पर 20 मिनट 25 मिनट तक आपको ट्यूटोरियल देखता है कि यहाँ पर आपको इन्फिनिटी डिज़ाइन में कैसे आप वेक्टर आर्ट बना सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, आपको बहुत ही टाइम लगता है उसमें और बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको पिक्सआर्ट की मदद से आपको दिखाऊंगा कैसे आप वेक्टर आर्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख ले, उस स्टेप को मेरे फॉलो करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं अपने वेक्टर आर्ट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा कि मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पर आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए इतना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं आप कैसे कर सकते हैं अपने वेक्टर आर्ट को कंप्लीट, कैसे बना सकते हो किसी भी फोटो को वेक्टर आर्ट। तो चलिए हम चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। आपको सिंपली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सबको ही पता होगा कि पिक्सआर्ट का इंटरफेस कैसा होगा। तो यहाँ पर आपको मैं और एक टिप बताना चाहता हूँ, अगर आप पिक्सआर्ट का जो यहाँ पर प्रीमियम है, गोल्ड फीचर्स है, फ्री में यूज़ करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखी है मैंने, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे आप फ्री में पिक्सआर्ट का जो यहां पर प्रीमियम थिंग्स, यहां पर जो गोल्ड फीचर्स आते हैं उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसको स्किप कर लेते हैं और यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो वेक्टर आर्ट। तो पहले आप स्किप कर लीजिए, अगर आपके पास अकाउंट है तो। मैं अकाउंट क्रिएट नहीं करता क्योंकि यार दोस्तों फिर यहां पर भूल जाता है। तो यहां पर मैं सिंपली आपको स्किप करके यहां पर दिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हैं। तो सिंपली आपको जाना है अपने पिक्सआर्ट में और यहां पर आपको कर लेना है एक प्लस के आइकन पर क्लिक, जो आपका यहाँ पर जहाँ से आप ऐड कर लेते हो फोटो को, जहाँ से आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, स्टार्ट करती है करनी पड़ती है एडिटिंग। तो यहाँ मैं कोई फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ जो भी यहाँ पर मेरे पास है अभी, तो कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा फोटो जो है लोड हो जाएगा अभी, तो यहाँ पर मैं कोई अच्छा सा फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं कोई अच्छा फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ोटो चूज़ कर लिया है। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपको आ जाएगा, आपको सिंपली क्या कर लेना है, टूल्स पर जाना है और क्रॉप कर देना है, और क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्रॉप कर लेना है, जितना आपको चाहिए उतना आपको क्रॉप कर लेना है। तो मैंने क्रॉप कर लिया। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इफेक्ट्स का ऑप्शन, तो आपको सिंपली इफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इफेक्ट्स पर क्लिक करोगे तो आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पर आर्टिस्ट का, तो यहाँ पर मैजिक का मिल जाएगा। तो आपको सिंपली मैजिक पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप मैजिक पर क्लिक करोगे तो आपको एक मैजिक का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर बैड लैंड्स का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैड लैंड्स है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपका जो यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर इसी पर क्लिक कर देना है, ये वाला इफेक्ट आपको देना है यहाँ पर। तो फ्रेंड, जैसे आपका जो इफेक्ट है लग जाएगा, जैसे मेरा लग चुका है, तो उस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पर तीन सर्कल्स दिख रहे होंगे, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप इसको जितना भी फेड करना चाहते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल पर ही रखूँगा क्योंकि नॉर्मल पर अच्छा है। तो आपको जितना अच्छा लगे उतना करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कर लेना है टिक, और यहाँ पर इसको कर लेना है ओके। तो उसके बाद आपको क्या कर लेना है, फिर से आपको इफेक्ट्स में चले जाना है और यहाँ पर आपको जाना है आर्टिस्ट में। जैसे आप आर्टिस्ट में चले जाओगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑयल पेंटिंग का, तो सिंपली आपको ऑयल पेंटिंग पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप ऑयल पेंटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलने वाला है, तो आपको सिंपली इस पर फिर से क्लिक कर देना है और इसका अमाउंट जो है इसको कम कर देना है। और अमाउंट को कम करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अमाउंट को थोड़ा सा 12 से यहाँ पर 11-12 से रख लेना है, आपको मैं रखूँगा तो 10 में रखूँगा। उसके बाद आपको फेड रख देना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेना है फेड को। उसके बाद आपको कर लेना इसको इरेज, थोड़ा सा यहाँ पर इरेज का बटन आता है तो इरेज कर लेना है उसको, यहाँ पर जहाँ से इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको आँखों से इरेज कर लेना है, और यहाँ पर आँख को इरेज कर लेना है, और नोज को इरेज कर लेना है, लिप्स को भी इरेज कर लेना है। तो जैसे मैं कर लेना हूँ उसे, ऐसे आपको ऐसे स्टेप्स कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कर लेना है कान को, जितने भी आपको यहाँ पर कान, लिप्स और नोज़ यहाँ पर आते हैं, आपको इनको क्लियर कर लेना है, मतलब इनको भी इरेज कर लेना है। उसके बाद हमारा हो चुका है, हमारा जो क्लियर हो चुका है अच्छे से, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर उसको टिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, फिर से आपको टिक कर देना है, और यहाँ पर आपका जो इफेक्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं कि फोटो कितनी अलग दिख रही है पहले से। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको जाना है अपने ड्रा टूल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रा टूल है,
सिंपली आपको ड्रॉ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन डॉट्स ऊपर नजर आ रहे होंगे, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना और सेव इमेज पर क्लिक कर देना है, और आपका जो इमेज है सेव हो चुका है। अब आपको जाना है बैक और इसको कर लेना है डिस्कार्ड। उसके बाद आपको जाना है नीचे और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड्स में चले जाना है, कलर बैकग्राउंड्स, और आपको व्हाइट कलर का कलर बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते कि मेरा जो कलर बैकग्राउंड है सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको कर लेना है, यहाँ पर फिर से आपको जाना है ड्रॉ में, और यहाँ पर आपको फिर से ड्रॉ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्वायर और सर्कल है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर स्क्वायर जो है सर्कल आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर फिल कर देना है, और ओके करके यहाँ पर कलर चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको नीचे कलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको कोई भी कलर चूज कर लेना है, तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमारे सर्कल भी मैंने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको टिक कर लेना है, इसको सेव कर लेना है, और यहाँ पर आपको जैसे आप इसको सेव कर लोगे तो आपको यहाँ पर फिर जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको एक ऐड ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है, और वही फोटो आपको ऐड कर लेना है जो आपने अभी एडिट किया था, तो इसको ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको जो ऐड आ जाएगा, यहाँ पर मेरा जो फोटो ऐड हो चुका है तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और यहाँ पर आपको जाना है कटआउट में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कटआउट, सिंपली आपको कटआउट में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको कर लेना है ऐसे इसको कटआउट, तो यहाँ पर मैं इसको कटआउट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे कट आउट कर लेना, और यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 90% तक का खुद सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद 90 के अलावा आपको खुद करना पड़ता है, मतलब 10% आपको खुद करना पड़ता है, तो मैं इसको 10% खुद कर लेता हूँ, तो इसको इरेज कर लेना है, यहाँ से अच्छे से कर लेना है इरेज सब कुछ, तो यहाँ पर मैं अच्छे से कर लेता हूँ पहले। तो इन स्टेप्स तो दोस्तों इन सेट जो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना वेक्टर आर्ट अच्छे से तैयार कर सकते हैं, सिंपली आपको ये स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं और अपना वेक्टर आर्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अच्छे से फिलहाल इसको सिलेक्ट, क्रॉपिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि आपका जो फोटो है अच्छे से दिख जाए, अच्छा फोटो दिख जाए, फिर आपका फोटो अच्छा नहीं दिखेगा अगर आप अच्छे से क्रॉपिंग नहीं करोगे। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पहले क्रॉपिंग, तो यहाँ पर मेरा जो क्रॉपिंग है सिलेक्ट हो चुका है, इसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते कि मेरा जो क्रॉपिंग है कितना अच्छा आ चुका है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको फिर से इरेज कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते कि कुछ यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर अभी जो हमारा जो यहाँ पर जो अच्छे से क्रॉप नहीं हुआ है तो उसको यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हो आराम से, जितना भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अच्छे से क्रॉप नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ अच्छे से, जो जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अच्छे से क्रॉप नहीं हुआ तो आप यहाँ पर भी क्रॉप कर सकते हो अच्छे से, आपको यहाँ पर अच्छे से उससे अच्छा भी दिख जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी आप 90% खुद होता है क्रॉप, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर दिखाया क्रॉप करके। तो सिंपली आपको यहाँ पर जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अच्छे से क्रॉप नहीं होता है तो उसको क्रॉप कर लेना है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्रॉप कर लिया, और यहाँ पर मैं अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अभी आ चुका है क्रॉप, अच्छे से नहीं हुआ यहाँ से, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने क्रॉप कर लिया, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है यहाँ पर अभी, तो यहाँ पर भी हमारा जो क्रॉपिंग अच्छे से हो चुका है, और यहाँ पर थोड़ा सा कर लेना है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा कर लेना है, तो क्रॉपिंग भी अच्छे से हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसको टिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको इमेज को अच्छे से सेट कर लेना है जितना आप रखना चाहते हो, तो मैं ऐसे रखना चाहता हूँ। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसको अच्छे से जितना आप रखना चाहते हो उतना रख लेना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको जाना है इसकी कैपेसिटी में और इसको कम कर देना है, इतना कर देना है। उसके बाद आपको कर लेना है इरेज पर क्लिक, और यहाँ पर आपको इसको जूम कर लेना है ताकि इसका जो इरेज है आप अच्छे से कर सको, तो इसको हार्डनेस आपको बढ़ानी है, और यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेना है, मतलब इसको इरेज कर लेना है, यहाँ से आपको अच्छे से इसको इरेज कर लेना है ताकि आपका फोटो जो अच्छा दिख जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो क्रॉपिंग है अच्छे से हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सब कुछ ऐसे ही आपको कर लेना है, इसको यहाँ पर बाहर से क्रॉप कर लेना है नीचे से, और ऊपर से आपको ऐसे ही रख लेना है। उसके बाद इसको कर लेना है टिक, और इसका कैपेसिटी जो हाई कर लेना है, और यहाँ पर इसको कर लेना है फिर से ओके, तो इसको सेव कर लेना है, जैसा कि आप सब पिक्चर्स को सेव कर लेते हो, इसको कर लेना है टिक उसकी, और यहाँ पर आपको जाना है स्क्रॉल करके यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चले जाना है, और ड्रॉ पर क्लिक कर देना है, और ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, लेकिन आपको फिल वाला नहीं कर लेना है, स्ट्रोक वाला कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन आता है, फिल भी आता है, स्ट्रोक का ऑप्शन आता है, तो आपको सिंपली स्ट्रोक पर क्लिक कर देना है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, साइज आपको इतना ही रखना है, और ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, जितना मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जितना आपका सर्कल है उतना
आपको ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर एक और सर्कल। तो यहाँ पर मैं इसके बराबर इसको सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सर्कल भी अच्छे से ड्रॉ कर लिया, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से अच्छा नहीं आ रहा है तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ ड्रॉ। तो मैंने ऐसे इसको भी ड्रॉ कर लिया, और आपको कर लेना है इसको इरेज, और इरेज पर क्लिक करने के बाद इसको जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद इरेज की कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जितना आप मैंने यहाँ पर रखा है फुल रख देना है। उसके बाद आपको इसको इरेज कर लेना है, जितना आप करना चाहते हो इरेज उतना आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली मेरे फॉलो स्टेप्स को फॉलो कर लेना है, और आपका जो पिक्चर है बिल्कुल यहाँ पर वेक्टर आर्ट की तरह दिख जाएगा। यहाँ पर वेक्टर आर्ट को कर लेना है बहुत ही आसान है, इसमें आपको सिंपली यहाँ पर जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर बोले इसको कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो फोटो है अच्छे से हो चुका है, और यहाँ पर मेरा जो फोटो है अच्छे से सेव भी हो चुका है, और आपको क्लिक कर लेना है टिक पर, और उसके बाद आपका जो फोटो है सेव हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है हमारा जो वेक्टर आर्ट, इसको इफेक्ट भी आप देख रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल अच्छा है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो ऐसे भी वेक्टर आर्ट, अपने पिक्सआर्ट की मदद से किसी भी फोटो का वेक्टर आर्ट बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इसको कर लेना है आपको इस पर क्लिक एरो पर, और यहाँ पर आपको कर लेना है सेव टू गैलरी और डन कर लेना है, और आपका जो वेक्टर आर्ट है सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी साथ साथ दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।